दीदी और जीजा जी को कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? सब मेरी गलती है प्यारे, ना मैं झगड़ा करता, ना मैं इंडिपेंडेंट केस लेता और ना ही ये दिन देखना पड़ता। मैं घमंडी हो गया था प्यारे। नहीं नहीं प्रीतम, मुझे घमंड का जवाब प्यार से देना चाहिए था, लेकिन प्यार की ताकत तो मैं कभी समझा ही नहीं। क्या आइडिया दिया है प्यारे? क्या क्या? मैंने, ये तो वही खिलौने हैं जो भैया ने बचपन में मुझसे चुराए थे और आज लौटा दिए। वो कहते कि अगर ये खिलौने देखकर मेरे भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। नहीं छोटे, मैं तुझे बोतल में बंद नहीं देख सकता छोटे। भैया मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, गलती मेरी थी। नहीं भैया, भैया आप बड़े हैं, बड़े कभी गलती नहीं करते। नहीं गलती तो हुई है। अरे तेरे वो लड्डू लपड़ जी। हाँ लड्डू लपड़ जी, छोड़िए ना पुरानी बातों में क्या रखा है। वैसे भी अंत भला तो सब भला। ठीक कह रहा है। वैसे भी आपका भरत मिलाप हो गया है तो मतलब आप लोग आपस में मिल गए हो। हाँ। तो अब हमारे जिया जी और दीदी को भी मिला दीजिए प्लीज। हाँ, ताकि हमारी भी हैप्पी एंडिंग हो जाए। हाँ? हाँ, जरूर छोटे। यस भैया। दीदी ये लीजिए। जानू माफ कर दीजिए इनकी करतूत, ये भले भले भूत। मार डाला लेकिन जीजा जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, एक बार कह दिया ना तो कह दिया। मेरा मतलब है जीजा जी, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इन्हें खुद आपको छोड़ा है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं। मेरा गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। अरे जीजा जी, घर पे जाके प्यारे पे गुस्सा ठंडा कर लेना, हम दोनों की धुलाई कर लेना बस। अभी फिलहाल चलो यहाँ से चलो। ये ठीक कह रहा है सर, इससे पहले कि ये लोग अपना माइंड चेंज कर ले और हमको टीवी या किसी फ्रेम में बंद कर दे, उससे अच्छा है कि हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। प्लीज छोटे, थैंक यू सो मच, तेरे भेजे हुए लड्डू खाकर बहुत मजा आया। भैया मैंने आपको कोई लड्डू नहीं भेजे, लेकिन आपके भेजे हुए खिलौनों से मुझे मेरा बचपन याद आ गया। भैया मैंने तुझे कोई खिलौने नहीं भेजे। भैया इसका मतलब इन सबने मिलकर हमें चूना लगाया। धोखा, इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे जीजा जी, गाड़ी में सिर्फ आप और दीदी नहीं है, हम लोग भी है, जरा तेज चलाइए ना। प्रीतम प्यारे बाहर आओ दोनों, नीचे आते हो या या नहीं? अरे संभल के प्यारे। तुम क्या समझे थे कि तुम हमें चूना लगाओगे और हम तुम्हें जाने देंगे?
तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला था कि भैया ने हमको खिलौने खिलौने भेजे थे, और ना ही छोटे ने हमें कोई लड्डू भेजे थे। तुमने हमसे झूठ बोला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। एक मिनट, ठीक है, वो खिलौने और लड्डू हमने भिजवाए थे, लेकिन लेकिन वो प्यार प्यार तो आपके आपस का ही था ना। मतलब 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 वो भाई भाईचारा भाईचारा वो आंसू वो इमोशन वो सब तो हमारे नहीं थे ना, वो तो आपके खुद के ही थे। हाँ, वो तो हमने नहीं दिए ना। अब इमोशंस तो आपके अंदर कूट कूट के भरे थे। हाँ। हमने तो बस उनको निकलवाया है, उनको जागृत करा है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें सजा मिलनी चाहिए तो हमें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। हाँ, दे दो प्यारे को सजा। ए? अरे प्यारे को क्या, मैंने बराबर बोला ना। ये तो सच मान गए। पीछे गाड़ी है। सॉरी प्रीतम प्यारे, बहुत लड़े हम, जिंदा रहे तब भी लड़े, मरने के बाद भी लड़े, पर अब बहुत हो गया, बस। सही कह रहे हो भैया, इन दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हमें सुकून चाहिए, शांति शांति चाहिए। प्रीतम प्यारे, थैंक यू। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? ये आपकी मुक्ति का टाइम आ गया है, आप दोनों मुक्त हो रहे हो। शाबाश शाबाश मेरे मिट्टी के शेरों। आज तुम लोगों ने ऐसा कारनामा दिखाया, ओहो, इस कारनामे को तो पेपर में छपना चाहिए। आज तुम दोनों ने ये साबित कर दिया कि भूतों को प्यार से पिघलाया भी जा सकता है। जीजा जी, कहावत ऐसी नहीं है, कहावत ऐसी है कि प्यार से पत्थर को भी पिघलाया जा सकता है। प्यारे, मुझे दोबारा अगर तुमने करेक्ट किया तो मैं तुम्हें पिघला के रख दूंगा। सॉरी वाह, थैंक यू। सॉरी, इतनी जोर से चिल्लाए ना तुम। जान से मार डालूंगा। क्या कर रहा है? मैं स्टेटस अपडेट कर रहा हूँ। लिखा क्या? लिखा, मिलजुल कर अब से हम करेंगे काम, चाहे कितना भी मिले नाम और दाम। वाह प्यारे, दिल जीत लिया प्यारे। क्या बात है, आज के बाद हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे प्यारे, एक दूसरे को कभी नीचा नहीं दिखाएंगे, कभी तू तू मैं नहीं करेंगे। हाँ, अब घमंड को करेंगे बाय बाय, क्योंकि हम दोनों हैं भाई भाई भाई।
हाँ हाँ मैं ही हूँ और एक गुड न्यूज लाई हूँ। अरे वाह, ये तो हो गई ना दो दो गुड न्यूज। कैसे? एक तो न्यूज गुड है जो आप बताने वाली है, और वो बताने के लिए आप खुद आई, ये हो गई ना दूसरी गुड न्यूज। स्वीट प्यारे, how sweet. Well, thank you. मैरी जी, गुड न्यूज क्या है? अरे हाँ, गुड न्यूज ये है कि कुछ न्यूज़पेपर वाले तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहते हैं और फोटो भी छापना चाहते हैं। हाँ तो बुलाइए। बुला लीजिए, बुला लीजिए। हाँ बुला तो लूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? वो ये कह रहे थे कि तुम दोनों में से किसी एक का ही इंटरव्यू लेंगे और फोटो भी उसी की छापेंगे। फिर थोड़ा सा कोई बात नहीं मेरी जी, इस बार इंटरव्यू और फोटो दोनों ही मेरे छपेंगे। नहीं, 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 कैसी बात कर रहे हैं मेरी जी, इस बार फोटो और इंटरव्यू दोनों इसी के छपे। तेरे क्यों, मेरे क्यों नहीं? पिछली बार तो तेरा इंटरव्यू छपा था ना, इस बार मेरा छपने देना। नहीं प्यारे, फोटो और इंटरव्यू दोनों मेरे ही छपेंगे। नहीं, मेरे छपेंगे। बड़ा भी मैं हूँ और सारे काम भी मैं ही करता हूँ, इसलिए। तो फिर मैं क्या करता हूँ ये, और ऊपर से बॉस भी मैं ही हूँ। By the way, तुम दोनों तो कह रहे थे कि तुम दोनों अब कोई झगड़ा नहीं करोगे, फिर अब क्या हो गया? झगड़ा? प्यारे, very bad. वैसे मैंने भी थोड़ी सी ट्रिक खेली है, मैं तो मजाक कर रही थी। ये What? By the way, हम भी तो मजाक कर रहे थे। मेरी जी, आज के बाद नो झगड़ा नो टंटा। हाँ मेरी जी, और न्यूज़पेपर वालों को बोल दीजिए इंटरव्यू होगा तो दोनों का साथ में होगा, और फोटो छपेगी तो दोनों के साथ में छपेगी। नहीं तो नहीं छपेगी, क्योंकि घमंड को कहेंगे बाय बाय, हम दोनों हैं। बाय बाय। चंदे इधर आओ। क्या ये? सारी फाइल को अच्छी तरह से रखो, ठीक से रखो, समझ गए? जी सर। यादव इधर आओ, पुलिस स्टेशन का कोना कोना साफ कर दो, समझ गए? एसीपी साहब आने वाले हैं। सर लेकिन एसीपी साहब कब तक आएंगे यहाँ? अरे बाप रे, अरे वो तो 8 बजे आने वाले हैं और वो कभी भी आ सकते हैं। लेकिन सर 8 बजे के बाद तो 17 नंबर की कोठरी में। सर 8 बजने वाले हैं, कहीं 17 नंबर की कोठरी से वो भूतिया क्लब से बाहर आ गए और। अरे वो रोज रोज थोड़ी ना बाहर आ सकते हैं, और आ गए तो हम लोग यहाँ से बाहर भाग भी नहीं सकते। एसीपी साहब आने वाले हैं, हमारी नौकरी चली जाएगी। सर ऐसा नहीं हो सकता कि एसीपी साहब को हम कल बुलाएं? अरे कैसे बुलाऊं, वो आज ही चार्ज संभालने वाले हैं, और मैं उन्हें कैसे बोल सकता हूँ, वो मेरा सीनियर है। लेकिन सर कहना, हमें यही रहना पड़ेगा। और सुनो, 17 नंबर की कोठरी के आसपास भी कोई नहीं भटकेगा। प्रीतम, 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 कहाँ है तुम? प्रीतम, प्रीतम, क्या चिल्ला क्यों रहा है? क्या क्या, कहाँ चला गया तू? मैं कितना डर गया। मैं तो बॉल लेने गया था। बॉल लेने गया तो बॉल के लिए जा सकता था। सॉरी, बॉल के लिए जा सकता था। चलना, चल चल, नहीं सॉरी बॉल,
सॉरी वेल थैंक यू चल चल भूत बेटा भूत बेटा कहाँ हो तुम भूत बेटा एक मिनट भूत बुला रहा है डॉगी को बुला रहा है ओ सॉरी लेकिन तू भूल गया हमारे क्लाइंट ने क्या कहा था क्लाइंट ने कहा था कि वो भूत एक बच्चा है तो उसको तो प्यार से ही बुलाना पड़ेगा ना ऐसे ही भूत बेटा अरे हम उसको प्यार से भी बुला सकते हैं उसको बैट बॉल भी दिखा सकते हैं और बास्केटबॉल दिखा के भी बुला सकते हैं हाँ ये बात भी सही है वो हमारी पकड़ में आ जाएगा भूत बेटा देखो तो सही प्रीतम अंकल तुम्हारे लिए बास्केटबॉल लेकर आए हैं प्यारे अंकल तुम्हारे लिए ये बैट बॉल लेकर आए हैं आ जाओ भूत बेटा बाहर आओ प्यारे अंकल के पास आ जाओ भूत बेटा प्यारे अंकल के प्रीतम प्रीतम लगता है मेरे पैर चिपक गए प्रीतम मैं हिल नहीं पा रहा अरे यार तू भी ना तेरे भी पैर चिपक गए प्रीतम आते आते प्रीतम आते आते करे करे अरे आते ना करे बच्चा भूत कहां से बच्चा है कहां से बच्चा है बच्चा सिंह मेरा नाम समझ गया प्रीतम भूत बच्चा नहीं है बच्चा भूत है मतलब भूत बच्चा नहीं है बच्चा बड़ा है भूत का है बच्चा भूत नहीं है भूत का बच्चा है बच्चा बड़ा है अरे क्या कह रहा है प्यारे मुझे पहले से ही पता था कि तुम दोनों मुझे पकड़ने आने वाले हो इसलिए मैं पूरी तैयारी के साथ था अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं सर लेकिन सर अंदर बहुत टेंशन है क्या बकवास कर रहे हो नए जमाने का एसीपी हूं एसीपी खटखटे राज सुंदर नगर पुलिस स्टेशन का मैं चार्ज रहूंगा मेरा पीछा करो लेकिन सर पहले आप भागे तो सही अबे गधे मेरा मतलब है मेरे पीछे पीछे आओ सर सर सुनिए तो सही सर अरे लेकिन सर अटेंशन लेकिन सर यहाँ तो टेंशन का मामला है ये सब क्या है सर पुलिस स्टेशन गधे मेरा मतलब ये सब क्या है मैं नए जमाने का एसीपी हूं एसीपी खटखटे और मेरे इस पुलिस स्टेशन में सिर्फ डिसिप्लिन होगा तुम कहां से निकले तुम टेबल के पीछे क्या कर रहे थे नाम क्या तुम्हारा सर इंस्पेक्टर शिर्के सीधे खड़े रहो अटेंशन सर यही तो मैं कह रहा हूं यहां पे सब टेंशन है क्या ये क्या ईशा ने क्या कर रहे हो ये कोई तरीका सीनियर से बात करने का हाँ एक मिनट शिर्के से बात कर रहा हूं मैं शिर्के बताओ ये पुलिस स्टेशन की हालत कैसे हुई ये क्या बुला कह रहे हो क्या ईशा ने दे रहे हो अरे ईशा ने बंद करो बताओ अरे एक मिनट बोला ईशा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.